iOS 17.5.1, आप बोलोगे कि इतनी जल्दी एक और अपडेट कैसे आ गया, तो एप्पल ने जो है कुछ काम ही ऐसा किया था। आपको एक नया अपडेट जो है एक हफ्ते के अंदर ही देखने के लिए मिलता है, और एक एप्पल की जो है बहुत बड़ी गलती थी जिसको एप्पल ने फिक्स करने के लिए इस अपडेट को निकाला है, उसके बारे में हम लोग जो है आगे बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो है अपडेट साइज के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है 316 MB मेरे आईफोन 15 प्रो मैक्स पे, और ये जो है डिफर कर सकता है आपके आईफोन के हिसाब से। अगर आपके पास पुराना मॉडल है तो मे बी ज्यादा हो मे बी कम हो, तो वो जो है डिपेंड कर सकता है, और अगर आप बहुत ज्यादा पुराने अपडेट से भी आ रहे हो तब भी ये जो साइज है वो इंक्रीज हो सकता है। उसके बाद जो हम लोग यहाँ पे बिल्ड नंबर की बात करते हैं, सेटिंग्स में चलते हैं, यहाँ पे जर्नल में चलते हैं, अबाउट में चलते हैं, और ये 17.5 पे आप लोग यहाँ पे जो है देख सकते हो बिल्ड नंबर है 21F90, बिल्कुल नया नवेला आप लोगों को यहाँ पे जो है बिल्ड नंबर देखने के लिए मिलता है, और बात ही कुछ ऐसी है एप्पल ने जो एक बड़ी गलती करी है। उसके बाद जो है वहाँ पे अवेलेबल स्पेस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे अपडेट करने से पहले अवेलेबल स्पेस थी 68.73 GB, और अपडेट करने के बाद अवेलेबल स्पेस है 70.27 GB, तो फाइनली जो है अवेलेबल स्पेस बढ़ गई है। हो सकता है एप्पल ने जो है इस चीज को भी फिक्स किया हो आगे चल के, जो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, बिकॉज यहाँ पे अप्रॉक्सिमेटली 3 GB जो है मेरा अवेलेबल स्पेस जो है बढ़ चुकी है, बहुत लोगों की जो है घट रही थी, और ये चीज जो है अब इंक्रीज आपको देखने के लिए मिलती है। व्हाट्स न्यू की तरफ चलते हैं भाई, एप्पल ने ऐसा क्या किया है इस अपडेट को पुश करने के लिए। देखो भाई ऐसी बात थी कि ये जो आपको फोटोज एप्लीकेशन देखने के लिए मिलती है, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपको पता है भाई फोटोज किसी की भी प्राइवेट चीजें हो सकती हैं, आपकी पर्सनल फोटोज हैं, फैमिली फोटोज हैं, जो भी चीजें हैं, एक सेंसिटिव इशू है। और एप्पल ने क्या किया, मतलब बेसिकली एप्पल की तरफ से क्या गलती हुई इस एप्लीकेशन में, कि जो आपकी 2-2, 3-3 साल पुरानी फोटोज थी जो आपने डिलीट कर दी थी, वो फोटोज जो आपको वापस इस फोटोज के एप्लीकेशन के अंदर देखने के लिए मिल रही थी। अब एक आसान भाषा में अगर मैं बोलूं, इजी लैंग्वेज में बोलूं, जो जेन जी है सो कॉल्ड, मान लो भाई आपकी 3 साल पहले कोई गर्लफ्रेंड थी और वो अब आपकी कोई और गर्लफ्रेंड है, तो आपकी उसके अगर पिक्चर्स थी भाई, वो फोटोज वापस आ सकती है, तो भाई सच में ये बहुत ही बड़ा डेंजर था। मजाक कर रहा हूँ, जोक्स असाइड, बट सीरियसली यार एक बहुत बड़ा इशू था ये। 17.5.1 पुश इसलिए किया गया ताकि एप्पल जो इसको सॉल्व कर सके। और अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो एप्पल ने यहाँ पे मेंशन भी किया है, दिस अपडेट प्रोवाइड्स इंपॉर्टेंट बग फिक्सेस एंड एड्रेसेस अ रेयर इशू व्हेन फोटोज दैट एक्सपीरियंस डेटाबेस करप्शन कुड रीअपीयर इन फोटो लाइब्रेरी। तो इस चीज को जो है एप्पल ने फिक्स कर दिया है। और उसके अलावा अगर मैं यहाँ पे बात करूँ बग फिक्सेस की, देखो यार बग फिक्सेस एज सच कुछ नहीं थे, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो अवेलेबल स्पेस है उसका एक बहुत बड़ा बग फिक्स हम लोगों को जो है यहाँ पे हो सकता है पॉसिबिलिटी देखने के लिए मिलता हो। पहले जो है 68.73 GB थी, अब जो है 70.27 GB हो गई है, बहुत सारे लोगों को जो है ये प्रॉब्लम आ रही थी, एंड होपफुली जो है ये प्रॉब्लम जो है फिक्स एप्पल ने कर दी है। कुछ और भी बग फिक्सेस हैं, बट वो फोन टू फोन डिपेंड करते हैं, अगर ज्यादा लोग फेस करेंगे तो मैं डेफिनेटली जो आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आऊंगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे जो है नेटवर्क एंड परफॉर्मेंसेस पे बात करते हैं, तो यहाँ पे जो है आपको सारा कुछ ऑल ओके देखने के लिए मिलता है, चाहे वो वाईफाई हो, चाहे वो ब्लूटूथ हो, मोबाइल डेटा हो, कोई भी चीज हो यार, सब कुछ जो है प्रॉपरली वर्क कर रही है। नोटिफिकेशन देखो यहाँ पे जो है पहले आ जाते हैं, तो बेसिकली सारा कुछ जो अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम हम लोगों को जो है देखने के लिए नहीं मिल रही है इस नए वाले अपडेट के साथ, और सब कुछ जो है बढ़िया चल रहा है। ये वाला मॉडर्न फर्मवेयर में जो है कोई भी इश्यूज नहीं है, कोई भी कॉल ड्रॉप वगैरह ऐसे इश्यूज हम लोगों को जो है देखने के लिए नहीं मिलते हैं। बैटरी लाइफ पे आते हैं भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है बैटरी लाइफ से, तो हर बंदा इस टाइम पे डरा हुआ है। एक तो समर सीजन इतनी ज्यादा गर्मी और ऊपर से जो है बैटरी ड्रेन बहुत नेक्स्ट लेवल हो रही है, तो यहाँ पे जो हम लोग चलते हैं अगेन सेटिंग्स में और बैटरी में चलते हैं, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज, 98% मेरी बैटरी हेल्थ थी, अभी भी उतनी है, तो इस अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद जो है बैटरी हेल्थ मेरी ड्रॉप नहीं हुई है। बाकी अगर मैं इन जनरल बताऊं, मैंने अपनी रिव्यू वीडियो में भी आपको बताया था कि यहाँ पे जो है बैटरी काफी ज्यादा बढ़िया परफॉर्म कर रही है। आप लोग यहाँ पे जो है स्क्रीन एक्टिव टाइम देख सकते हो 9 घंटे 11 मिनट, और फोन को जो है मैं सिर्फ 80% पे चार्ज कर रहा हूँ, तो काफी ज्यादा बढ़िया बैटरी जो है यहाँ पे निकाल के दे रहा है ये 15 प्रो मैक्स, और आपके फोन पे जो है डिपेंड कर भी सकते हो। और एक और इंपॉर्टेंट चीज भी है कि यहाँ पे मैं सिर्फ 80% चार्ज कर रहा हूँ और 15 प्रो मैक्स है, डिस्पाइट हैविंग अ हाई टेम्परेचर, जहाँ पे मतलब मैं हूँ बेसिकली वहाँ पे 44-45 डिग्री टेम्परेचर है, तो उसके हिसाब से भी जो है काफी बढ़िया परफॉर्मेंस निकाल के दे रहे थे, ज्यादा जो है बैटरी ड्रेन नहीं हो रही है, तो बैटरी वाइज जो है बहुत ज्यादा बढ़िया है। परफॉर्मेंस पे आते हैं तो भाई परफॉर्मेंस में भी जो है कोई भी इशू देखने के लिए नहीं मिल रहा, ना तो कोई आपको ऐप क्रैश देखने के लिए मिल रहा है, ना एज सच कोई और प्रॉब्लम आ रही है, बिल्कुल स्मूथ फाइन आपको जो है यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा। और इनफैक्ट मैंने जो है इस अपडेट को अगर आप लोग देखोगे तो सुबह के 4 बजे जो है किया था, और तब से मेरे को जो है ग्रेजुअल परफॉर्मेंस में इंक्रीज देखने के लिए मिल रहा है। बाकी यहाँ पे जो है हम लोग Geekbench के स्कोर्स को भी चेकआउट कर लेते हैं, मैंने जो है यहाँ पे स्कोर्स निकाल लिए थे, तो आप लोग यहाँ पे जो है हिस्ट्री चेकआउट कर सकते हो। तो ये आज मैंने जो है 10:45 AM पे निकाले हैं, 2911 सिंगल कोर स्कोर और मल्टी कोर स्कोर है 7155, पहले का आप लोग भी जो देख सकते हो, तो अब जो है ये डिफरेंस बहुत ज्यादा कम है, मतलब सिमिलर आपको जो है यहाँ पे परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलती है। और वहीं पे अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को GPU दिखाऊं तो GPU की भी जो है सेम ही कहानी है, हिस्ट्री आप लोग चेकआउट कर सकते हो, पहले था 27501, अब भी है 27501, तो सेम ही आप लोगों को जो है यहाँ पे GPU का भी रिजल्ट देखने के लिए मिलता है, तो परफॉर्मेंस वाइज भी जो है बहुत ज्यादा बढ़िया है। और अगर मैं लास्ट चीज की बात करूँ आपको इंस्टॉल करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, तो भाई डेफिनेटली करना चाहिए,
चाहिए, कुछ सेंसिटिव फोटोज हो सकती हैं, कुछ ऐसी फोटोज आ सकती हैं जो शायद आपको याद ना हो, आपने डिलीट करी और वो वापस आ जाए तो बेटर है आप उसको जो है इंस्टॉल कर लो। मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा और आपको जो है भाई करना भी चाहिए, बिकॉज उसमें जो है सिक्योरिटी पुश भी एप्पल देता है, साथ ही साथ यहाँ पे जो बग फिक्स है वो भी जो एप्पल करता है, होपफुली जो है स्टोरेज वाला बग भी जो है इस अपडेट के साथ फिक्स हो जाएगा। तो वैसे मेरी आज की वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना, तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय।